नए शब्द, मरुस्थल, रेगिस्तान, रजकण, धूलिकण, एहसान, उपकार, पुरखे, पूर्वज, समर, युद्ध, मुआवरा, सीना तानकर चलना, गर्व से चलना। विचार मंथन, हम सब एक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। उनकी भाषाएं अलग है, उनका रंग भी अलग अलग है, वे अलग अलग प्रदेश में रहते भी है, फिर भी हम एक है। हमारी संस्कृति एक है, अनेकता में एकता ही इस हिंदुस्तान की विशेषता है। हमारे पर्व त्यौहार हमें मिलकर रहना सिखाते हैं। यहाँ की प्रकृति भी हमें एकता का संदेश देती है, एकता में शक्ति होती है। जिस प्रकार एक फूल कितना भी सुंदर हो, वो एक गुलदस्ते का मुकाबला नहीं कर सकता है। विविध रंगों के फूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो वे गुलदस्ते बन जाते हैं। ठीक हमारा देश भी अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं एवं प्रदेशों से मिलकर एक खूबसूरत देश बनता है, जिसका एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है, जिसमें हमारी एकता की महिमा का गान है। अतः अनेक होते हुए भी हम सब भारत माता के बेटे हैं और हम सब एक है। अध्ययन कौशल, अब तक पढ़े हुए मुहावरों, कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। अनाप शनाप बोलना, आंखें खुली की खुली रहना, कमर कसना, करवटे बदलना, काट पकड़ना, खून पसीना एक करना, गला फाड़ कर रोना, तान लेना, दरार पड़ना, तारीफ के पुल बांधना, दूध का दूध, मात देना, पानी का पानी करना, मुंह लटकाना, सिर आंखों पर रखना, सीना तान कर चलना, हथियार डालना। जरा सोचो, लिखो, यदि तुम सैनिक होते तो। यदि मैं सैनिक होता तो मैं अपने देश के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता। मैं अपने देश के अस्तित्व को कभी मिटने नहीं देता। आजकल पड़ोसी देश से आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनायास ये सैनिक मौत के घाट पर उतारे जा रहे हैं। ऐसे में यदि मैं सैनिक होता तो वही करता जो हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं, अपना सिर कटा देते हैं, किंतु देश की आन बान शान को बनाए रखते हैं। आतंकवादियों के मसूम्बे को कभी कामयाब नहीं होने देते हैं। मैं भी इसी प्रकार देश की सेवा करता, देश के सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का समूल नाश करने का प्रयास करता। निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो, हिंदुस्तान डैश तान के। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम गर्व से चलते हैं, हम भारत की मिट्टी में खेलकर खाकर बड़े हुए हैं। भारत माता ने हमें ममता और समता से पाला है, उनके इस एहसान का हमें कर्ज चुकाना है। जो वीरत्व डैश तान के। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि हम भारत के सैनिक युद्ध भूमि में अपनी वीरता और विवेक दुश्मनों को दिखा देंगे। उसकी गाथा का देश के गांव, नगर और घर घर में गुणगान करेंगे। देशवासियों के अनगिनत कंठों से हमारे पराक्रम की गाथा सुनाई देगी। हम भारत माता के बेटे गर्व से प्रगति पथ पर चलते हैं। देशप्रेम वाली चार पंक्तियों की कविता लिखो, जो बरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यह है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं, भले ही हमारा धर्म, जाति, वर्ण, भाषा और प्रदेश अलग अलग है, किंतु हम सभी भारत के सैनिक पहले हिंदुस्तानी है। हम अपने देश को और उसके निशान को मिटने नहीं देंगे। युद्ध में दुश्मनों को अपनी वीरता दिखाएंगे। अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित थे। राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगा, राष्ट्रीय पशु बाग, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय देय वाक्य सत्यमेव जयते। भाषा की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। विधानार्थक वाक्य, माला घर नहीं जाएगी। निषेधार्थक वाक्य, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य, सदैव सत्य के पथ पर चलो। आज्ञार्थक वाक्य, वाह क्या बनावट ए ताजमहल की। विस्मयार्थक वाक्य, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। संभावनार्थक वाक्य, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। इच्छार्थक वाक्य, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। संकेतार्थक वाक्य, समानार्थी शब्द लिखो। गिरी पर्वत, समुद्र सागर, जंगल वन, रेगिस्तान मरुस्थल, रज मिट्टी, पुत्र बेटा, सिर शीश, ध्वज निशान, युद्ध समर, गीत गान।